Hello kids, how are you all? Hope you are fit, fine, healthy, and hope you all are enjoying. So kids, today ma'am is going to teach you computers. Aaj hum karenge computer mein chapter number 5, storage of data. Kaun sa chapter karenge? Storage of data. To hum yahan se read karna start karte hain. Computer kehta hai, Hi students, do you know how do I work? Kya tumhe pata hai ki main kaam kaise karta hoon? To Sam kehta hai, No, please tell us. हमें तो नहीं पता, please हमें बता दो। तो computer कहता है, To work on me, you need to put some data into me. तुम्हें मेरे साथ work करने के लिए, मेरे ऊपर work करने के लिए, तुम्हें मेरे अंदर data डालना पड़ेगा। तो computer Sam कहता है, What is data? Data क्या होता है लेकिन? तो वो computer कहता है, Whatever information you have written in words and numbers is called data. कि चाहे तुम कुछ numbers में लिखो मेरे में, like 1, 2, 3, 4 या कुछ नेम में लिख दो सारनपुर कुछ भी अगर कोई नेम में लिख दोगे तो उसी को डेटा कहते हैं कुछ भी टाइप करोगे तभी तो मेरे अंदर वो चीज आएगी ना तो उसी को डेटा कहते हैं इट इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स यानी कि बहुत सारी चीजों का एक कलेक्शन होता है ठीक है सैम हाउ डू यू रिमेंबर थिंग्स सैम कंप्यूटर से पूछते हैं तुम ये चीजों को याद कैसे रखते हो तुम्हें सब कुछ याद कैसे रहता है तो कंप्यूटर कहता है आई हैव मेमोरी I can remember and store lots of data inside me. वो कहता है कंप्यूटर कि मेरे अंदर मेमोरी है मैं बहुत सारी चीज़ें बहुत सारे डेटा अपने अंदर याद रखता हूँ बहुत सारा स्टोर होता है मेरे अंदर I never forgot the data which is stored inside me. जो भी तुम एक बार मेरे अंदर स्टोर कर देते हो मैं फिर दोबारा नहीं भूलता उसे तो राज कहता है कंप्यूटर के वेयर डू यू स्टोर योर डेटा और ये सारे डेटा तुम स्टोर कहाँ पे करते हो तो कंप्यूटर कहता है Students, as you store your books in school bag, computer कहता है जैसे कि तुम लोग अपनी books जो हैं वो bag में रखते हो, chocolates जो होती हैं वो फ्रिजर में रखते हो, refrigerator में रखते हो, उसी तरीके मैं अपना data, hard disk, floppies, CD, DVD, Blu-ray disk and pen drives, इन सब में मैं अपना data save करता हूँ, इसे कहते हैं बेटा hard disk, ये hard disk होती है, ये Blu-ray disk होती है, ये CD या DVDs होती हैं, ये पेन ड्राइव्स होती है और ये फ्लॉपी होती है ठीक है तो सैम कहता है व्हाट कैन यू स्टोर इन दीज डिवाइसेस तुम क्या क्या स्टोर करते हो इन डिवाइसेस में तो वो कहता है आई कैन कंप्यूटर कहता है आई कैन स्टोर गेम्स मूवीज सॉन्ग्स ड्राइंग्स कार्टून्स एटसेट्रा चाहे तुम लोग गेम्स करते हो गेम्स डाउनलोड कर लेते हो ना कंप्यूटर में हम गेम्स खेलते हैं ड्राइंग करते हैं या कुछ भी वर्क भी करते हैं तो मूवीज देखते हैं वो सारी वो स्टोर करता है उसने पूछा ना सामने कि क्या क्या स्टोर करते हो तो उसने बताया कि गेम्स और ड्राइंग सॉन्ग्स मूवीज कार्टून जो सब कंप्यूटर्स पे देखते हैं ना वो सब मैं स्टोर करता हूँ यू कैन यूज़ द स्टोर डेटा वेन एवर यू वॉन्ट और तुम जो वो सारा डेटा है वो कभी भी यूज़ कर सकते हो क्योंकि मैंने तो उसे बचा के रखा है सेव करके रखा है ना अपने पास तो तुम कभी भी आके उसे खोल सकते हो देख सकते हो ठीक है चलो हमारा चैप्टर होता है बेटा फिनिश अब आता है हमारा बुक वर्क डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस मतलब जो चीज़ स्टोर करके रखती है सामान को वो किसका एग्जाम्पल है कंप्यूटर हार्ड डिस्क या डेटा बताओ कंप्यूटर हार्ड डिस्क और डेटा आंसर इज कंप्यूटर कंप्यूटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस ठीक है डैश कैन स्टोर डैश इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स क्या होता है कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स जो बहुत सारा फैक्ट्स रखता है अपने पास बताओ डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स डेटा जो सारा होता है वो होता है कलेक्शन सारा डैश कैन स्टोर गेम्स मूवी सॉन्ग्स ड्राइंग्स क्या क्या ये चीजें स्टोर करती हैं ये सारी चीज़ें स्टोर करती हैं कंप्यूटर मुझे पता था आप लोग गलत बोलोगे इसीलिए मैम ने अभी तक थर्ड वाला रीड करा नहीं था हार्ड डिस्क जो होती है एक स्टोरेज डिवाइस मैम ने अभी आपको पढ़ाया था ये देखो पीछे हमने यहाँ पे पढ़ा था कि जो हार्ड डिस्क होती है ये सारी क्या होती हैं दीज आर स्टोरेज डिवाइसेज ये स्टोर करके रखती हैं तो ये देखो ये जो डैश इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्टोरेज डिवाइस का एग्जाम्पल क्या है हार्ड डिस्क And dash is a collection of facts को क्या कहते हैं Data and dash can store, क्या store करता है Computer can store games, movies, songs, drawings, cartoons, etc. समझ आई
यही कन्फ्यूजन क्लियर करनी थी मैम ने आपकी. ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क. कॉम्पैक्ट डिस्क की फुल फॉर्म क्या है? डीवीडी, सीडी, हार्ड डिस्क या नन ऑफ दीस, कोई भी नहीं. कॉम्पैक्ट डिस्क. ठीक है, डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ. डेटा जो है कलेक्शन किसका होता है? रोज का, फैक्ट्स का, नंबर्स का या पेन ड्राइव का? अभी हमने पढ़ा भी है, डैश इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स. आंसर इज डेटा. डेटा इज अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स. नेक्स्ट पेज पर आएंगे, यहाँ है क्वेश्चन आंसर. व्हाट डू यू मीन बाय डेटा? मैम ने आपको कराया. राइट एनी थ्री स्टोरेज डिवाइसेस. तीन वो डिवाइसेस बताओ जिसमें कुछ भी डेटा या कुछ भी चीज़ें स्टोर करके रखते हैं. हाउ डज अ कंप्यूटर रिमेंबर थिंग्स? कंप्यूटर जो है वो चीज़ों को याद कैसे रखता है? ये तीनों क्वेश्चन हम डिस्कस कर सके चैप्टर में. ओके, तो अब आपको करना क्या है, आपको चैप्टर अच्छे से एक बार रीड करना है एंड बुक वर्क एंड नोटबुक वर्क कंप्लीट करना है. होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड. थैंक यू.